आपके चेहरे पे भी बिल्कुल शाइन नहीं है, चेहरा काला पड़ चुका है, बिल्कुल आपकी स्किन मुरझा सी गई है। तो नारियल तेल का इस्तेमाल अगर आप अपने चेहरे पे इस तरह से करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल उठेगा, आपके चेहरे पे शाइन आ जाएगी, स्किन ब्राइटन हो जाएगी, टैन रिमूव होगा, साथ ही एंटी एजिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। यस फ्रेंड, अगर आप अपने स्किन को ब्राइटन करना चाहते हैं बहुत कम कॉस्ट में तो ये मेरे लिए, जो कहते हैं ना मेरे लिए, तो बेस्ट है। ये सीरम आप प्रिपेयर कर सकते हैं घर पर। नारियल तेल से बनने वाला ये सीरम आपकी स्किन को बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना, ग्लास स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। जो मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन है, जो मैं रात में सोने से पहले से अप्लाई करती हूँ, मॉर्निंग में अप्लाई करती हूँ, आप दिन भर में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बहुत जल्दी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इस रेमेडी को आप बनाएं, घर पर प्रिपेयर करें, 2 मिनट में बन जाएगी। बस कुछ इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करने हैं जो आपके घर में, किचन में अभी भी अवेलेबल है, और साथ ही आपकी स्किन भी इतनी ही शाइन करेगी कि आप कैमरे के सामने आने के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यस फ्रेंड, जब भी मैं कैमरे के सामने आती हूँ ना, सिर्फ सनस्क्रीन वेयर करती हूँ। मैं बहुत टाइम आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं लगाती, कोई हाईलाइटर नहीं लगाती, फिर भी मेरी स्किन इतनी शाइन करती है ओनली बिकॉज ऑफ DIY रेमेडी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम है लवली और मेरे चैनल का नाम है लवलीन की दुनिया, जहां मैं जीरो इन्वेस्टमेंट में आप लोगों के लिए काफी सारे DIY रेमेडी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। तो अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को विजिट करें, वहां पे आपके लिए बहुत सारे DIY रेमेडी बना रखी हूं जो आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। तो आपको करना है एक छोटा सा काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज की रेमेडी प्रिपेयर करते हैं, नारियल तेल से कैसे मैं अपने स्किन को मसाज करती हूं, कैसे प्रेप करती हूं और अपने स्किन को इतना ज्यादा शाइनियर बनाती हूं। तो चलिए बात करते हैं। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं नारियल का तेल ले रही हूँ। आपको यही नारियल वाला तेल लेना है जो बिल्कुल ब्लू डिब्बे में होता है, कोई भी आपको जो स्मेल वाले ऑयल होते हैं ना वो यूज़ नहीं करने हैं। तो आपको यहाँ पे नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल एक क्लीन बाउल में 1 से 2 चम्मच के जैसा आपको ले लेना है। इसके बाद हम ये इसमें ऐड करने वाले हैं विटामिन ई ऑयल कैप्सूल भी आप बोल सकते हैं, ये आपको 2 कट कर लेना है और इसमें मिला लेना है। ये दोनों ऑयल आपके स्किन पे हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, साथ ही चेहरा अगर डेड हो चुका है तो शाइन लाता है चेहरे पे, चेहरा खिल उठता है, पूरे स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए ये दोनों ऑयल बहुत ज़्यादा कारगर है। साथ ही अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, एक्ने, पिंपल या मार्क्स हैं तो इसे ये ठीक करता है। इसके बाद हम थर्ड इंग्रेडिएंट जो डालने वाले हैं वो है लेमन के फ्यू ड्रॉप्स। बहुतों ने कहना है कि मुझे तो लेमन सूट नहीं करता है, बट समटाइम क्या होता है ना, किसी के साथ मिक्स मैच करके लगाने से वो चीज़ें सूट करने लगती है। तो यहाँ पे मैं बहुत कम क्वांटिटी में इसे कट करके और फ्यू ड्रॉप्स लेमन इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, और हमारा जो सीरम है ना वो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। नाइट में सोने से पहले, रात में सोने से पहले 2 मिनट में इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं पर डे प्रिपेयर नहीं कर सकती तो इसे स्टोर करके भी आप 1 वीक जैसा रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है। हमारी रेमेडी बिल्कुल बन करके हो चुकी है तैयार, आपको इसे कैसे लगाना है आज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। तो इसे आप बिल्कुल अपने क्या कहते हैं कि अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जितना 10 से 15 डेज के लिए रख सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, पर इसे 1 वीक से ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि इसमें लेमन हमने मिला रखा है। तो आपको इसे अपने हैंड में ले लेना है इस तरीके से। अपने स्किन को सबसे पहले क्लीन करेंगे, सबसे पहले फेस वॉश करेंगे। अपने स्किन को फेस वॉश करने के बाद इसे अच्छे तरीके से अपने हैंड में लेना है इस तरीके से, और पूरे स्किन में आपको इस तरीके से मसाज कर लेना है जैसे मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। एंड यू कैन सी द रिजल्ट, आपकी स्किन चमकने लगेगी, आपकी स्किन शाइन करने लगेगी, चेहरा बिल्कुल भी खिल उठेगा। आपको यहाँ पे रात में इसे दो तीन मिनट का आप अगर मसाज कर लेना तो चेहरा बिल्कुल इसी तरीके से आपका शाइन करने लगेगा। आप इसका इस्तेमाल अपने हैंड, अपने फुल बॉडी में भी कर सकती हैं। बहुत ज्यादा टैन हो रखा है, चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है, तो इस रेमेडी को जरूर एक बार प्रिपेयर करें और अपने स्किन को बिल्कुल शाइन कराएं।
तो आपको दो तीन स्टेप जो मैं बता रही हूँ सिंपल से आपको वही फॉलो करने हैं। तो मैंने अपने हैंड में ले लिया, दोनों पाम में ले लिया, उसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से इसे मसाज करूंगी। मैंने अपने स्किन को यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर लिया था, मेरे स्किन पे कुछ भी अप्लाई मैंने नहीं किया था। उसके बाद अपने स्किन पे बिल्कुल इसे मसाज कर रही हूँ और आपको मसाज करके बिल्कुल दिखा रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से दो तीन मिनट का मसाज कर लेना है। नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो हमारे फेस को पे हो रहे हैं इचनेस रफनेस को ठीक करते हैं। अगर पिंपल है तो उसे भी हील करते हैं। यस फ्रेंड, पहले के टाइम पे जब हमारी दादी नानी हुआ करती थी तो वहां पे इतनी मेडिसिन फैसिलिटी नहीं थी कि सारे लोग मेडिसिन ले सके, तो कहीं भी कट लग जाता, कहीं भी कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, तो यही सजेस्ट किया जाता था कि आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें अपने स्किन के लिए। तो आप अपने स्किन के लिए या कट के लिए, आपकी स्किन में कहीं पे भी आपको ईचिंग लग रहा है, आप कहीं पे सन पे जा रहे हैं, सन की वजह से आपकी स्किन पे रेडनेस आ जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने स्किन पे कर ले और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत रिलीफ फील होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन पे अच्छी तरीके से कर लिया है मसाज। सोने से पहले आपको इसी तरीके से कर लेना है मसाज। तो आप कौन कौन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये इतना ज्यादा ट्रस्टेड है कि इसे सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेमन का इन्वॉल्वेशन किया है। अगर आपको लगता है मेरे स्किन पे लेमन नहीं जाता है, मैं अपने स्किन पे लेमन बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ, तो आप यहाँ पे लेमन को स्किप कर सकती हैं। और अपनी स्किन पे जो कहते हैं ना, अगर आपके पास अगर आपको ऑरेंज जूस सूट करता है, ऑरेंज सूट करता है, तो ऑरेंज के दो तीन ड्रॉप्स डाल सकती हैं, ऑरेंज के पील का पाउडर डाल सकती हैं और उसके बाद मसाज करिए, आपकी स्किन काफी ज्यादा ब्राइटन हो जाएगी। लेमन में विटामिन सी पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को के रंगत को निखारते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लेमन का इस्तेमाल किया है ताकि आपका चेहरा बिल्कुल गोरा हो जाए, आपका चेहरा बिल्कुल शाइन करे और साथ में आपके चेहरे पे हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो आई होप यू गाइस कि आप बिल्कुल समझ गए इसे कैसे मसाज करना है। तो आपको दो तीन मिनट का इसी तरीके से मसाज अपने पूरे स्किन पे कर लेना है। उसके बाद आपको सो जाना है। मॉर्निंग में जब आप नॉर्मल जो भी स्किन रूटीन लेते हैं मॉर्निंग का, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे आप स्किन क्लींजिंग कर रहे हो, जो भी आप करेंगे आपकी स्किन शाइन करेगी, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी लोशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फुल बॉडी के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने बॉडी के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कोई भी लोशन, कोई भी बॉडी लोशन, ये सारी चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसका इस्तेमाल करने से मेरी स्किन तो सॉफ्ट होती ही है, साथ ही मेरे स्किन से टैन भी रिमूव होता है, चेहरा गोरा होता है, स्किन का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, जो आपका टोन है वो उसमें मुनाफा आता है। सो आपको भी इसी तरीके से इस्तेमाल करना है अपने स्किन के लिए, अपने फुल बॉडी के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, सारे एज ग्रुप के लोग इसे कर सकते हैं। आप अगर अपने बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कराना चाहती हैं तो कर सकती हैं, बट लेमन का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे पैच टेस्ट जरूर ले। नारियल तेल बहुत ट्रस्टेड है, बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर सेटिस्फाइड है, डॉक्टर ने खुद का कहते हैं कि बच्चों की मालिश के लिए नारियल तेल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर बच्चों के स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो नारियल तेल का मसाज करने से उसे स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होता है। तो अगर आप नारियल तेल का इस्तेमाल इस तरीके से करें तो आप अपने मनी को भी सेव कर रहे हैं, साथ ही अपने स्किन, अपने पूरे बॉडी को भी केयर कर रहे हैं। सो आई होप यू गाइस कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इस रेमेडी को, इस सीरम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस रेमेडी का हॉनेस्ट रिव्यू जरूर शेयर करिएगा एंड मैं अपने चैनल पे इस तरीके के वीडियोस हमेशा लाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड इसी तरीके से मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे वो व्यूवर्स जो मुझे कमेंट करते हैं उनके लिए स्पेशली थैंक यू, जो आप मुझे टाइम निकाल के कमेंट करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा जो भी आप करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, तभी तो आप मुझे कमेंट कर रहे हैं ना। सो थैंक यू ऑल व्यूवर्स जो मुझे देखकर मुझे कमेंट करते हैं, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखिए। बाय।